गुड इवनिंग एवरी वन। येस्टरडे वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस टॉपिक्स क्यूब एंड क्यूबॉइड एंड क्वेश्चन नंबर 1 to 6 वी हैव ऑलरेडी डन इन प्रीवियस वीडियो। टूडे आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नंबर 7 to अगेन। सो फर्स्ट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 9 मीटर, 5.6 मीटर एंड 3.6 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फोर वॉल ऑफ द रूम। वी फाइंड द एरिया ओनली फोर वॉल ऑफ द रूम। फर्स्ट वी राइट लेंथ इक्वल टू 9 मीटर, ब्रेथ 5.6 मीटर एंड हाइट 3.6 मीटर। दिस इज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। Then area of four wall equal to 2 into h into l plus b। This is curved surface area या lateral surface area। We put the value of this 2 into h 3.6 into length 9 plus breadth 5.6 and this equal to 36.2, 7.2 into 9 plus 5, 14.6। Multiplication of this, multiply of 7.2 with multiply 14.6, 14.6 and this equal to 105.1 and this is area, so this equal to meter, the square meter। Okay, next is second part, number of tiles required to cover the floor of the room if the size of each tile is 90 centimeter by 50 centimeter। This is length and breadth of tile। First we write length of tile equal to 90 centimeter and breadth of tile equal to 50 centimeter। We find the number of tile। First we find the area of floor। हम floor का area find out करेंगे, फिर हम complete area को किससे divide करेंगे, एक tile के area से। जो floor होगा, floor में हमारे पास क्या use होगी, length and breadth means area of rectangle length into breadth। Then area of floor equal to length into breadth and tile given centimeter में, तो हम floor की जो length breadth उसको किस में convert करेंगे, centimeter में। 9 meter equal to 900 centimeter multiply 5.6 meter equal to 5.6 और हम इसको किससे multiply करेंगे, 100 से, वहाँ पे हमारे पास मिलेगा 560 and this equal to multiply of 56 with 9, 56 multiply with 9 and this equal to 504 and 30123 and this is square centimeter, area of floor। Area of one tile equal to 90 multiply 50 45 100। Then number of tile equal to area of floor divided by area of floor, जो floor होगा उसके area को हम divide करेंगे area of one tile से, and this equal to area of floor 504000 divided by 4500। Cancel out, now divide 5040 divided by 45 divided by 45 and this equal to 112। The number of tiles कितनी tiles की जरूरत होगी हमें, 112 tiles की जरूरत होगी। The next question, क्वेश्चन नंबर 8, ए रूम 8 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर ब्रॉड एंड 4 मीटर हाई, हैज टू डोर 1.5 मीटर बाय 1 मीटर एंड 3 विंडो ईच 1.2 मीटर बाय 80 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ फोर वॉल एक्सक्लूडिंग डोर्स एंड विंडो एंड कॉस्ट ऑफ डिस्टेंपरिंग फ्रॉम इनसाइड एट द रेट ऑफ 2 रुपीज पर स्क्वेयर मीटर। फर्स्ट रूम की लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है, देन वी राइट लेंथ है इक्वल टू 8 मीटर,
ब्रेड्थ इक्वल टू 5 meter एंड हाइट इक्वल टू 4 meter एंड देर इज टू डोर है और हमारे पास 3 विंडो हैं। डोर की लेंथ एंड ब्रेड्थ गिवन है, लेंथ ऑफ डोर इक्वल टू 1.5 meter एंड ब्रेड्थ इक्वल टू 1 meter एंड सेम लेंथ ऑफ विंडो 1.2 meter एंड ब्रेड्थ 80 centimeter। फाइंड एरिया ऑफ 4 वॉल, हम 4 दीवार का एरिया निकालेंगे लेकिन उसमें से हमने क्या माइनस करना है, एक्सक्लूड मीन्स छोड़ देना, क्या डोर और विंडो को छोड़ेंगे। फर्स्ट वी फाइंड द एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स दिस इक्वल टू 2 HL प्लस बी 2 × H 4 एंड L इन प्लेस ऑफ 8 प्लस ब्रेड्थ है 5, 8 × 13 104 और ये हमारे पास एरिया होगा जो किस में होगा, स्क्वेयर मीटर में। अब यहाँ से हमारे पास कितने डोर हैं, 2 डोर हैं, 2 डोर का एरिया निकालोगे, 3 विंडो का एरिया निकालोगे और यहाँ से क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। फर्स्ट वी फाइंड एरिया ऑफ 1 डोर, एरिया ऑफ 1 डोर और डोर हमारे पास कैसे होंगे, रेक्टेंगल में, द लेंथ इंटू ब्रेड्थ 1.5 × ब्रेड्थ 1 एंड दिस इक्वल टू 1.5 square meter। दिस इज एरिया ऑफ 1 डोर एंड एरिया ऑफ 2 डोर, 2 डोर का एरिया 2 × 1.5 एंड दिस इक्वल टू 3 square meter। सेम एज इट इज, फर्स्ट वी फाइंड एरिया ऑफ 1 विंडो, एरिया ऑफ 1 विंडो सेम लेंथ इनटू ब्रेड्थ, विंडो 1.2 मीटर और यहाँ पे सेंटीमीटर में गिवन है तो इसके आप मीटर बनाओगे 0.8 के, हम 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड दिस इक्वल टू 96, 1 and 1 2 digit 0.96 square meter। एंड एरिया ऑफ, टोटल विंडो हमारे पास कितनी है, टोटल विंडो हमारे पास 3 विंडो हैं, एरिया ऑफ 3 विंडो 3 × 0.96 एंड दिस इक्वल टू 288 और यहाँ पे पॉइंट डालोगे आप 2.88 square meter। देन वी फाइंड द एरिया ऑफ 4 वॉल एक्सक्लूडिंग डोर एंड विंडो, देन रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू जो टोटल 4 वॉल का एरिया है माइनस करोगे 0.96, हमारे पास जो डोर का है 2 डोर का 3 और माइनस करोगे 2.88 दिस इक्वल टू 104 माइनस 5.88, 104 में से आप माइनस करोगे 5.88 एंड दिस इक्वल टू 98.1 और ये होगा हमारा रिक्वायर्ड एरिया और किस में होगा, स्क्वेयर मीटर। फॉर सेकेंड पार्ट वी फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिस्टेम्परिंग फ्रॉम इनसाइड एट द रेट ऑफ 2 per square meter। 1 square meter पे हमारे पास कॉस्ट गिवन है 2 rupees, तो टोटल स्क्वेयर मीटर पे कितनी कॉस्ट होगी हमारे पास, 1 square meter कॉस्ट इक्वल टू 2 rupees एंड 98.1 square meter कॉस्ट इक्वल टू 98.1 × 2, देन 2 × 8 = 16, 1 × 9 = 18 एंड 1 × 19 एंड दिस इक्वल टू 196.2 और ये हमारे पास कॉस्ट है तो किस में होगा, रुपीस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर इन द रेशियो इफ द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज दिस स्क्वायर मीटर, फाइंड लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। फर्स्ट वी गिवन लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट की रेशियो गिवन है 6:5:4, देन लेंथ इक्वल टू 6x। जब भी कोई रेशियो में गिवन है तो हम उसको कंप्लीट लेंगे, कोई को भी कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रेड्थ इक्वल टू 5x एंड हाइट इक्वल टू 4x। नेक्स्ट इज
इफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया गिवन है, देन सरफेस एरिया इक्वल टू 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल एंड दिस इक्वल टू 592 स्क्वेयर मीटर। 2 इंटू एल बी 6 इंटू 5 30 एक्स स्क्वेयर प्लस बी एच 20 एक्स स्क्वेयर प्लस एच एल 24 एक्स स्क्वेयर एंड इक्वल टू 592। 2 इंटू 32 72 एक्स स्क्वेयर एंड दिस इक्वल टू 592 एंड एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 592 डिवाइडेड बाई 2 एंड 74 देन 2 1 2 2 then 1 2 9 18 2 6 अगेन डिवाइडेड बाई 2 3 7 2 1 2 4 and 2 8 148/37 आगे देखते कैंसिल होता है क्या एंड दिस कंप्लीट कैंसिल बाय 4 देन एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4 एंड एक्स इक्वल टू 2। अगर आप 4 का रूट निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको 2। एक्स की वैल्यू 2 है तो लेंथ ब्रेड और हाइट निकाल सकते हैं। लेंथ इक्वल टू 6 × 2 मीन्स 12 मीटर में गिवन है एंड ब्रेड इक्वल टू 5 × 2 10 मीटर एंड हाइट इक्वल टू 4 × 2 दैट इज 8 मीटर। दिस इज लेंथ ब्रेड एंड हाइट। नेक्स्ट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, दिस इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट एंड 12 इंटू 10 इंटू 8 96 960। और ये हमारे पास क्या मिलेगा इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू 90 960 और वॉल्यूम किस में होगा क्यूबिक यूनिट में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द असेंबली हॉल ऑफ ए होटल इज 55 मीटर लॉन्ग 45 मीटर ब्रॉड एंड 10 मीटर हाई। इट हैज़ 5 विंडो 3 मीटर बाय दिस ईच एंड 3 डोर्स 3 मीटर बाय 2 ईच। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डेकोरेटिंग द वॉल एट द रेट ऑफ 15 रुपीज पर स्क्वेयर मीटर एंड कारपेंटिंग द फ्लोर एंड पेंटिंग द अनसेलिंग मीन्स छत को। ठीक है, तो फर्स्ट में हम समझते हैं, पहले भी कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन। असेंबली हॉल की जो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन है एल इक्वल टू 55 मीटर एंड ब्रेड्थ इक्वल टू 45 मीटर एंड हाइट इक्वल टू 10 मीटर। दिस इज लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। वी फाइंड द फर्स्ट डेकोरेटिंग द वॉल, अगर वॉल को डेकोरेट करना है हमने तो वहाँ पे विंडो और डोर को छोड़ना पड़ेगा। फर्स्ट वी फाइंड द एरिया ऑफ फोर वॉल, आफ्टर दैट वी सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ विंडो एंड डोर। फर्स्ट एरिया ऑफ फोर वॉल्स इक्वल टू 2 × H L + B एंड 2 × 10 × L 55 + 45 एंड दिस इक्वल टू 20 × 100 एंड दिस इक्वल टू 2000 स्क्वेयर मीटर। फर्स्ट वी जो डोर है, डोर इट हैज़ 5 विंडो 3 मीटर एंड 1.5 मीटर ईच, तो लेंथ और ब्रेथ गिवन है 1 विंडो की। फर्स्ट वी फाइंड एरिया ऑफ 1 विंडो इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ 4.5 स्क्वेयर मीटर। टोटल 5 विंडो है, देन एरिया ऑफ 5 विंडो इक्वल टू 5 × 4.5 देन 5 × 5 = 25 × 5 = 5 × 4 = 22 स्क्वेयर मीटर। ये हमारे पास 5 विंडो का एरिया होगा। सेम जो 3 डोर है 3 मीटर बाय 2 मीटर, फर्स्ट वी फाइंड एरिया ऑफ वन डोर इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ 3 × 2
दैट इज 6 square meter एंड टोटल 3 door है. एरिया ऑफ 3 door इक्वल टू 3 into 6 दैट इज 18 square meter. ये हमारे पास डोर का एरिया है और ये कंप्लीट हमारे पास विंडो का एरिया है. रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे डेकोरेटिंग के लिए. रिक्वायर्ड एरिया फॉर डेकोरेटिंग इक्वल टू 4 wall का एरिया 2000 माइनस 22.5 माइनस 18 एंड दिस इक्वल टू फर्स्ट 22.5 प्लस 18. हम इसमें 18 ऐड करेंगे. आफ्टर दैट वी सब्ट्रैक्ट दिस 2000 माइनस 40.5 एंड दिस इक्वल टू 1959.5 और ये होगा हमारा रिक्वायर्ड एरिया फॉर डेकोरेटिंग. हमने तो कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. 1 square meter पर कॉस्ट हमारी 15 rupees. 1 square meter कॉस्ट है 15 rupees एंड 1959.5 square meter कॉस्ट है 15 × 1959.5 एंड दिस इक्वल टू 2932.5 और ये हमारे क्या आएंगे रुपीस आएंगे. ये कॉस्ट होगी डेकोरेटिंग की. आफ्टर दैट कारपेंटिंग द फ्लोर. अगर फ्लोर पे कारपेंट बिछाना हमने और वहाँ पे 30 rupees per square meter पे कॉस्ट गिवन है तो पहले हम जो फ्लोर होगा उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे. एरिया ऑफ फ्लोर. फ्लोर लेंथ इनटू ब्रेड्थ मीन्स 55 × ब्रेड्थ 45. जो रूम होगा उसकी लेंथ और ब्रेड्थ की मल्टीप्लाई करेंगे हम. वो हमारे पास किसका एरिया होगा. वो हमारे पास फ्लोर का एरिया होगा 2475 ये स्क्वायर मीटर. अब ये फ्लोर का एरिया 1 square meter पर 30 rupees है. 1 square meter कॉस्ट है 30 rupees एंड 2475 square meter कॉस्ट है 30 × 2475. यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ हमारे पास रुपीस आएंगे और ये होगा 74250 हमारे पास क्या होंगे रुपीस होंगे. किसके कारपेंट जो हमने बिछाना है उसके. आफ्टर दैट वी फाइंड थर्ड पार्ट पेंटिंग द सीलिंग मीन्स जो छत है उसके ऊपर पेंट करना. तो हमने छत का एरिया निकालना और जो एरिया हमारे पास फ्लोर का होगा सेम एरिया किसका होगा हमारे पास है जो रूफ होगी या टॉप होगा उसका एरिया. एरिया ऑफ सीलिंग ये होगा हमारे पास सेम 2475 square meter और 1 square meter पे कॉस्ट 20 है. तो इतने पे क्या होगी 20 × 2475 और ये होगी हमारे पास 49,500 rupees. दिस इज पार्ट नंबर थर्ड. अगेन यू डू दिस क्वेश्चंस इन योर नोटबुक. नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी इन नेक्स्ट वीडियो.